इस वक्त अगर आप देखेंगे, अगर आप लीग्स के बारे में देखें एसोसिएट्स में, तो डेफिनेटली नेपाल प्रीमियर लीग जो है वो बहुत ही तेजी से अब अप्रोच कर रहा है, जो कि 30 नवंबर से शुरू होने वाला है। जी हाँ, और 21 दिसंबर तक यह चलेगा और काफी लंबा 20-22 दिन का हमें टूर्नामेंट देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। तो इस एनपीएल के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें, तो एनपीएल को अगर आप देखेंगे तो कई सारे चीजें हैं जिस जो नेपाल क्रिकेट जो है वो इससे ऑप्टेन करने की कोशिश करेगा। अगर आप देखें यहाँ पर, नो डाउट कि जो फाइनेंस वगैरह है वो इससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी मजबूत करने की कोशिश रहेगी, प्लेयर्स को एक और ज्यादा कहीं ना कहीं पैसे वगैरह यहाँ पर मिल पाएंगे और बाकी सारी फाइनेंशियली अटमोस्ट प्रायोरिटी रहेगी। जी हाँ, समझाएंगे नहीं, जरूर सही कहा आपने जो आप कह रहे हैं कि क्या क्या उनके जो माइंड में रहेगा इस को कराते हुए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है जो प्लेयर्स के लिए भी चाहे मैनेजमेंट के लिए भी बिल्कुल। वो है फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, और वो सबसे बड़ा एक अटमोस्ट क्रिटेरिया है जो अपमोस्ट रहेगा बोर्डों के लिए भी, प्लेयरों के लिए भी और आने वाले प्लेयरों के लिए भी, ताकि वो सिक्योर कर सके आने वाले वक्त में कि चलिए एक टूर्नामेंट है जहाँ कुछ हमारे लिए है आने वाले वक्त में। ये सबके माइंड में यही है, फाइनेंशियली सबसे पहला और आखिरी भी ये बहुत बड़ा प्रायोरिटी है किसी के भी माइंड में। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं चीज यहाँ पर निकल के आएगी। और जो आपने ये आंसर ही कहा, जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं जो अभी तक टीम में पहुंचे नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में नहीं है बिल्कुल ऑब्वियसली, बिल्कुल तो उनके लिए अभी कहीं ना कहीं ये लीग काफी बेटर रहती है कि इसमें उनको रेगुलर हर साल कहीं ना कहीं मौका जरूर मिलेगा जरूर और एज अ फाइनेंशियली वो कहीं ना कहीं थोड़े से अपने आप को यहाँ से काफी कुछ हो पाएंगे। ये सब चीजें जरूर अपनी जगह पर बिल्कुल है और ये सब चीजें हम ज्यादातर लीग्स में भी देखते हैं, इसमें कोई हैरानी की जी बात हाँ नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर आप ओवरऑल क्रिकेट बेसिस पर देखें, तो यहाँ पर एक चीज है जो नेपाल क्रिकेट को, चाहे वो नेपाल क्रिकेट टीम के कोच हो, जो सीनियर टीम के कोच है, कोच हो या क्रिकेट बोर्ड हो या जो कैप्टन है, इन सबको, खास करके कोच हो जो क्रिकेट बोर्ड है, इनको एक चीज की यहाँ पर बहुत ध्यान देना चाहिए इस एनपीएल में, कि इस एक चीज को इस एनपीएल से किसी भी सूरत पर निकाला जाए। और ये आज बहुत ज्यादा डिमांड है नेपाल क्रिकेट टीम में, इस चीज की बहुत जरूरत है। आप समझ सकते हैं कि एक पोस्ट वैकेंट है उसको लेकर, जो हम कहते हैं उसके लिए यहां से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहां से उठानी चाहिए एनपीएल से, एंड वो पोस्ट वैकेंट किस चीज की है और क्या वो चीज है जो इस एनपीएल में नजर रहेगी क्रिकेट की, और क्रिकेट बोर्ड कोच की भी रहनी चाहिए कि यहां से वो चीज पिक की जाए जो कि बहुत जरूरत है नेपाल क्रिकेट टीम को आज की डेट। नहीं जरूर देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और जो होना भी चाहिए शायद उनके बुक्स में कि एक एक इम्पोर्टेंट जो कि मिसिंग है वो है एक हार्ड हिटर का पोजीशन, एक बल्लेबाज, हाँ हार्ड हिटर बैट्समैन जो बहुत ही बड़े स्ट्राइक रेट से T20 में बल्लेबाजी करके थे। जी हाँ T20I जो नेपाल खेलेगा जी इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जरूरी नहीं क्योंकि पूरी तरीके से भूल जाना ये भी गलत है, क्योंकि एनपीएल एक T20 फॉर्मेट है, तो क्यों ना इससे एक जो वैकेंट पोजीशन है T20I टीम में उसको भरने के लिए भी थोड़ा सा इसका इस्तेमाल किया जाए, बिल्कुल और वो पोजीशन सबसे वैकेंट जो खाली पड़ा है, क्योंकि उसके पास कुछ नंबर भी है हमारे पास जो इस बात को साबित भी करते हैं कि हार्ड हिटर जो एक पोजिशन है बल्लेबाज वो टीम में है नहीं, और इसको लेकर तराशने की और तलाशने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी एनपीएल में 2026 वर्ल्ड कप के लिए मद्देनजर भी, और एशिया रीजनल फाइनल जो बिल्कुल, 2025 में होने इन हैं। वर्ल्ड कप में तो आप तक पहुंचेंगे जब रीजनल फाइनल क्रैक बिल्कुल करेंगे। सही, तो एशिया रीजनल फाइनल्स के लिए और फिर उसके बाद अगर वर्ल्ड कप पे पहुंचे तो वो तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके लिए एक हार्ड हिटर बैट्समैन नेपाल की T20I टीम में होना जरूरी है, लाजिमन है अगर वो इस एनपीएल में ध्यान देते हैं इस पोजिशन। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये फाइंड रहनी चाहिए कोच की और क्रिकेट बोर्ड की। अब हम आपको बताते हैं, देखिए अब आप देखिए हार्ड हिटर से हमारा मतलब एक एक चीज ये भी है कि एक ऐसा प्लेयर जो अपने दम पर किसी भी सिचुएशन से टीम को निकालकर मैच जिता, बिल्कुल किसी भी सिचुएशन से, कैसे भी सिचुएशन हो, 20 गेंदों में 45 चाहिए, नहीं ये प्लेयर है, ये अपने दम पर जिताएंगे, और उन्होंने किए भी, जी हाँ ऐसा ऐसे परफॉर्मेंसेस दी भी हो कि अपने दम पर किसी भी सिचुएशन में वो मैच जिताकर जाए। इस तरह के T20 के एक दो हार्ड हिटर बैट्समैन टीम के पास की जगह जो है वो पूरी तरह से खाली है। अब आपके जहन में चलेगा कुछ प्लेयर्स के नाम चलेंगे, कुशल भुरतल है ओपनिंग में, कुशल मल्ला है यहाँ पर, कुशल मल्ला का तो कहा रोल ही है, कुशल भुरतल का भी हम जानते हैं हार्ड हिटिंग का रोल है, कुशल मल्ला का भी वही रोल है, दीपेंद्र सिंह एरी के रोल अलग हो जाते हैं, उनका बॉलिंग फील्डिंग वगैरह भी आ जाता है, उन पर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, चलिए हम आपको एक नंबर आपके सामने रखते इस चीज को और ज्यादा प्रूव करने के लिए क्यों नेपाल को एक प्रॉपर एक दो हार्ड हिटिंग बैट्समैन की जरूरत है जो स्ट्राइक रेट की परवाह ना करे, जो सिचुएशंस की परवाह ना करे, अपने दम पर उस सिचुएशन से मैच जिताकर दिखाए। हमने देखा है 2022 ग्लोबल क्वालिफायर को आप देखिए जो हुआ था यूएई में, वहां पर जरूरत थी आयरलैंड के, यूएई के खिलाफ देखिए कोई बैट्समैन खड़ा नहीं हो पाया, इस तरह की
सिचुएशंस में, चाहे वो कितने ही बड़े हिटर हो अपने टीम में, गिना लीजिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे 2000 अभी जो प्रीमियर कप हुआ 2024 में, अभी बाहर जाकर वहां पर भी वही देखने को मिला, कोई ऐसा हिटर नहीं मिला जो मैच को, मैच का रुख पलट दिया, स्कोर बहुत नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला जाए अपने ही दम पर। कोई बात नहीं, पूरी टीम भी, हमने कई ऐसे मैचेस देखे हैं, आपने भी देखे हैं, हजारों ऐसे T20 में आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि एक प्लेयर ने पूरा का पूरा मैच पलट दिया। 60-6 है टीम, उस टीम ने फिनिश किया 180-190। एक ही प्लेयर ने 80-90 मार दिए 30-40 गेंदों में, बड़े इवेंट्स पर, अच्छे इवेंट्स पर। तो ये थोड़ा सा ये बहुत कम देखने को मिला है। उसके बाद अगर आप देखेंगे अब T20 वर्ल्ड कप, आप देखिए T20 वर्ल्ड कप 2024 में तीन मैच टीम ने खेले, तीनों बार ये मौका आया, लेकिन एक भी हिटर टीम के पास ऐसा नहीं था जो इस सिचुएशन से टीम को उभार पाए। नीदरलैंड के खिलाफ भी 120 से पहले पहले टीम ढेर हो गई, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी वही हुआ, बांग्लादेश के खिलाफ भी वही हुआ, श्रीलंका के खिलाफ हमें देखने को मिला नहीं क्योंकि वो बारिश की वजह से धुल गया था। अब उन दो प्लेयर्स की बात करते हैं, कुशल गुर्तेल, कुशल मल्ला। अब इनके बारे में आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट रखते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी इस बात को प्रूव करेंगे कि क्यों एलपीएल में इन दो बिग हिटर्स की जरूरत टीम को पड़ेगी फाइंड करने की, ताकि वो आगे उनको अपने साथ लेकर जा सके। एंड पहले कुशल मल्ला से बात करते हैं। जरूर, ये जो नंबर्स हैं ये ओडीआई एसोसिएट टीम और फुल मेंबर्स के अगेंस्ट जो इन्होंने खेली है T20I में, ये उनके नंबर्स है जो हम आपको बता रहे हैं। कुशल मल्ला को अगर देखें तो 20 इनिंग इन्होंने खेली है उन ओडीआई एसोसिएट और फुल मेंबर्स को मिला 304 रन इन्होंने किए हैं, 253 बॉलें फेस की हैं, 3 बार नॉट आउट गए हैं और 17.88 का बैटिंग एवरेज है, 120.15 का बैटिंग स्ट्राइक रेट है और 20 सिक्सेस इनके हैं अब तक जो इन्होंने 20 इनिंग्स खेली हैं ओडीआई एसोसिएट और फुल मेंबर्स के अगेंस्ट। बिल्कुल, अब आप इन नंबर्स को देखिए। अब हमने यहाँ पर रखा है जो 8 ओडीआई एसोसिएट की टीम्स थी उनके खिलाफ जो T20I खेला और जो फुल मेंबर्स के खिलाफ खेले होंगे, इन दोनों को हमने इंक्लूड कर दिया, तो कुल मिलाकर ये निकल कर आया नंबर्स जो आप ऑलरेडी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। अब आप सोचिए कि कहां से आपको ये किसी बिग हिटर्स के नंबर। बिल्कुल बिल्कुल, 17 का एवरेज, 120 का स्ट्राइक रेट, क्या ये बिग हिटर्स कहलाने के लिए काफी है, क्या ये नंबर्स काफी है? क्योंकि हमने यहाँ पर बराबरी की टीमें रखी है, आप उनके खिलाफ कैसा करते हैं या फिर फुल मेंबर्स के खिलाफ कैसा करते हैं? T20 है तो फुल मेंबर्स के खिलाफ गैप जो है ऑलरेडी रिड्यूस हो जाता है। T20 में उतना बड़ा गैप नहीं है एसोसिएट और फुल मेंबर में, हम देखते हैं अमूमन इस वर्ल्ड कप में भी हमने देखा T20 वर्ल्ड कप हुआ, तो वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि यहां बहुत बड़ी टीमें थी। तो यहां पर इन कुल मिलाकर 20 इनिंग्स में 17 का एवरेज और 120 का स्ट्राइक, आप देखिए 253 गेंदें उन्होंने खेली है इन सब टीमों के खिलाफ मिलाकर, उसमें सिर्फ 20 गेंदें ऐसी थी जो वो बाउंड्री के बाहर खींच पाए, यानी डायरेक्ट छक्के के लिए भेज पाए। आप सोचिए कितना सिक्सेस का एवरेज जो है वो भी कम है। यहाँ बिग हिटर की बात कर रहे हैं, बार बार याद रखिए बिग हिटर में हम यही सब गिनेंगे, छक्के कितने बार, स्ट्राइक रेट किस तरीके का है और थोड़ा बहुत एवरेज भी जरूर, अब ये नहीं कि आपने 30-32 का एवरेज हो तो एवरेज कम से कम हो। आप सोचिए इशा गिप्ता वैसे भी कर सकते हैं, आपने पहली बॉल में छक्का मारा, दूसरी भी आप आउट हो गए, अब ये दो गेंदों में आपने 6 रन मारे, 300 का स्ट्राइक रेट, लेकिन क्या आपको ऐसी इनिंग चाहिए? जी नहीं, तो एवरेज भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब आप देखिए कुशल मल्ला के नंबर्स, ये बिग हिटर्स के नंबर्स नहीं, तो ये क्लियर दर्शाता है कि एक जरूरी है कि हमें एक एनपीएल को इस ध्यान में रखना चाहिए, यहां से कम एक दो एक स्ट्रॉन्ग बड़े हिटर्स हमें निकालने चाहिए नेपाल क्रिकेट टीम के लिए, जो आने वाले T20 इवेंट्स के लिए बहुत ज्यादा टीम के काम आ सकते हैं। एंड एक और प्लेयर है, इनके बारे में भी समझाएंगे, बात कर रहे हैं कुशल गुर्तेल के नंबर्स। बिल्कुल, अगर कुशल गुर्तेल के नंबर्स को देखें, 23 इनिंगों में 534 रन, 450 बॉलें फेस्ड, 2 टाइम नॉट आउट, 25.42 का बैटिंग एवरेज, 118.66 का बैटिंग स्ट्राइक रेट और 25 सिक्सेस इन्होंने अब तक मारे हैं जो ओडीआई एसोसिएट और फुल मेंबर्स के अगेंस्ट इंक्लूडेड खेल। बिल्कुल, तो 23 इनिंग्स को मिलाकर उनके खिलाफ उन्होंने खेले हैं, जहां पर आप रन्स देखिए 500 पार जरूर है, एवरेज कुशल मल्ला से काफी बेटर है, 7 का एवरेज यहां बड़ा है लेकिन अभी भी थोड़ा कम है, वो इसीलिए क्योंकि कुशल गुप्तल उन बल्लेबाजों में से है जिनको पूरी 120 गेंदें खेलने का अपॉर्चुनिटी होता है। ये देखिए, ये दो तीन चीजें हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की डिस्कशंस होती है जो समझना डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप समझे तो बहुत बेहतर है। अब देखिए कुशल गुर्तेल उन चुनिंदा बैट्समैनों में से हैं नेपाल के जिन्हें 120 गेंदें खेलने का प्राय जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है, कुशल मल्ला को वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन उनका रोल वो है कि उनको वो करना पड़ेगा, लेकिन वो हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन कुशल गुर्तेल के केस में भी हमें वही देखने को मिल रहा है, 120 गेंदें खेलने की अपॉर्चुनिटी उनके पास होती है एज अ, क्योंकि वो ओपनिंग करने के लिए आते हैं, तो उस लिहाज से 25 का एवरेज यहाँ पर थोड़ा सा और कम से कम 30 टच यहाँ होना चाहिए था एवरेज में, और स्ट्राइक रेट में आप देखिए फिर से कितनी गिरावट आ गई।
कुशल मल्ला का ऑलरेडी कम था 120, यहाँ पर और कम 118.66 का स्ट्राइक रेट, और यहाँ पर 450 गेंदों में सिर्फ 25 गेंदें ऐसी थी जो वो बाउंड्री के पास डायरेक्ट छक्के के लिए टांग पाए। यहाँ पर एवरेज छक्कों का और ज्यादा गिर जाता है कुशल मल्ला के बाद, जब भी आप अपने बराबर की टीमों से और बड़े या फुल स्ट्रेंथ से किसी टीम के खिलाफ मैच खेलते हुए नजर आते हैं। अब आप एक चीज और यहाँ पर सोचेंगे कि आखिर फुल बड़े अपने बराबर के एसोसिएट्स और फुल मेंबर्स की हम यहाँ बात क्यों कर रहे हैं, उनके नंबर से यहाँ क्यों गिना रहे हैं। तो आप सोचिए, बड़े इवेंट्स पर या इवेंट्स में जब आप खेलते हैं या फिर वर्ल्ड कप वगैरह में जब आप खेलते हैं, तो आपको वहां पर मलेशिया, सिंगापुर, कुवैत, कतर, ये सब टीमें नहीं मिलती। इसमें तो पहले ही रफा दफा हो जाती है। आप देखिए, आप प्रीमियर कप किन टीम से हारे, प्रीमियर कप में जो आप हारे 2023 में आप किससे हारे, यूएई से। आपने प्रीमियर कप में आपने जो क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप के लिए, आपने किस टीम को हराया, यूएई को हराया। 2022 में जब आप ग्लोबल क्वालिफायर में सेमीफाइनल हारे, आप किससे हारे, यूएई से हारे। आयरलैंड से आपका मैच हुआ था वहां पर, वो भी आप हारे। उसके बाद 2024 T20 वर्ल्ड कप में आपका किससे मैच हुआ, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश। यहाँ पर कहाँ है वो, सिंगापुर, कतर। इसीलिए जरूरी है कि हमने उन सारे नंबर्स को फ्लैश आउट कर दिया और एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट जो नंबर्स है वो हमने आपके सामने रखे। क्या कहेंगे आप नंबर्स को लेकर, और आप एक चीज और कह रहे थे एट द एंड कंक्लूड करेंगे ग्राउंड्स के बारे में। नहीं जरूर, देखिए अगर बात करें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी, कि ग्राउंड्स, जैसे कि थोड़ा सा अभी हमें एक न्यूज मिली थी और अच्छी भी न्यूज थी, बहुत अच्छी न्यूज, कि इस पर कोई काम हो रहा है ग्राउंड्स को लेकर। थोड़ा सा इसको पीछे किया गया है रोप को भी, और जो फोटोज भी हमने देखी वाकई में थोड़ा सा पीछे किया गया है। तो उम्मीद जरूर करेंगे कि थोड़ा ग्राउंड जो हो, डायमेंशन थोड़े लंबे हो, अच्छे अच्छे मीटर, 75 मीटर के करीब करीब का या 80 मीटर के करीब का हमें थोड़ा सा कुछ मामला देखने को मिले, कुछ ग्राउंड देखने को मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। 75 तक आए ठीक है, जरूर 3 फेज कम से कम हमें देखने को मिले। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरे ग्राउंड को आप बाहर कर दीजिए, ये दो एरिया है बिल्कुल आंखों के सामने जितना है उतने को अगर आप बड़ा कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। थर्ड में फाइनल लेग क्या रहे क्या नहीं वो आप देख लें, क्योंकि एक एरिया छोटा रहे इट्स ओके, कोई बात नहीं चलता है। 2-3 कम से कम एरिया बड़ा होना चाहिए तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन सुनने में आया था टीयू में बड़ा किया और देखा भी है, फोटोज भी आए थे उसके, तो बहुत अच्छा लगा सुनकर, देखकर भी, तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा इसको ढूंढने में, फाइंड करने में। एक हार्ड हिटर बैट्समैन अगर वो ऐसे बड़े बड़े ग्राउंडों को पार कर पाए और हेल्थी स्ट्राइक रेट हो, हेल्थी एवरेज भी हो, 30 के करीब का एवरेज रहे, बहुत अच्छा रहेगा। और NPL में हमें इसकी तलाश रहेगी, डेली क्रिकेट को बिल्कुल नजर रहेगी कि ये जो वैकेंट पोजीशन है T20I में नेपाल के लिए, जो हमें जो दिखता है डेली क्रिकेट को, बाकी मालूम नहीं किनको क्या दिखता होगा या नहीं, पर बहुत इंपॉर्टेंट। हमने आपके सामने नंबर्स भी रखे हैं, बिल्कुल नंबर्स रखे हैं, नंबर्स तो चीख चीख कर बयान कर ही रहे, तो यही है जो एक उम्मीद रहेगी आने वाले एमपी। बिल्कुल, और नेपाल प्रीमियर लीग में हम कंक्लूड होने के बाद आपके सामने 5 प्लेयर्स रखेंगे हमारी चॉइस के, जिनमें से कम 2 प्लेयर्स को एज अ हार्ड हिटर टीम को अपॉइंट करना चाहिए आने वाले अपने T20 के पूरे कैंपेन के लिए। वही इसके बाद से जो भी T20 की सीरीज होगी या क्वालिफायर होंगे या अगर क्रैक करते तो वर्ल्ड कप होंगे, उनमें उन 2 हिटर्स को साथ में लेकर जाना बहुत अच्छा रहेगा। कौन से 5 हिटर, वो तो परफॉर्मेंस होगी तमाम आपके सामने जरूर बताएंगे। 5 नाम हम रखने की पूरी कोशिश करेंगे, उसमें से 2 टीम जो है वो पिक कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप अपनी राय इस क्वेश्चन पे जरूर रखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो होनी चाहिए वो हमने आपके सामने प्रेजेंट किया। फिलहाल इस वीडियो